राम राम दोस्तों। आज हमारी शॉप पे एक मशीन बनने आई, इतनी पुरानी थी कि जो देखने से लग रहा था कि बिल्कुल बेकार है, बट उसके पुर्जे जब खोल के देखे गए तो कुछ उनकी कंडीशन सही थी। तो पहले तो हमने मना कर दिया कि नहीं बन पाएगी, बट कस्टमर की बहुत उसके माँ बाप के हाथ की निशानी थी, बोला नहीं मैडम इसको बनवा दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमने वो मशीन चालू की। जब मशीन हमने बनानी शुरू की तो मशीन के कुछ पार्ट्स तो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छे पार्ट्स जो थे हमने वो निकाल लिए सारे। उसके बाद में जो पुराने पार्ट्स थे जो ख़राब हो चुके थे वो हमने नए डाले उसमें। मशीन बनाने में बहुत टाइम लगा, मान के चलिए कम से कम आधे घंटे का समय लग गया उसको बनाने में। मशीन में एक पार्ट्स होता है जिसको शटर बोलते हैं, उसकी कंडीशन बहुत खराब है, काम होता है धागे से ऊपर लेने से जब टकराती है शटर में तो वो धागे को ऊपर ले जाती है। अगर धागे शटर में धार ज़्यादा हो गई तो फिर वो धागा काट देगी। तो मेन तो शटर ही बहुत ख़राब हो गया था और बॉबिन के सुई और चापा एक वो भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। सारे पार्ट्स हमको बदलने पड़े थे। सारे पार्ट्स बदलने के बाद में मशीन चलाई गई लेकिन फिर भी उसकी जो सिलाई थी वो अच्छी नहीं आ रही थी। मशीन को दोबारा खोलना पड़ा। दोबारा खोलने पे पता चला कि इसकी कुंडी भी ख़राब है और एक पार्ट्स होता है क्लेच जो कि मशीन के अंदर फिट होता है, उसकी सेटिंग बहुत ख़राब थी, वो काफ़ी हद तक डैमेज थी। फिर वो क्ले और कुंडी दोनों चेंज करनी पड़ी। जब दोनों चेंज की गई तब जाके उसमें तब जाके बकरे सही आ रही थी, बट उसको जो था उसको मोटे कपड़े पे चलाना, मोटे पे कपड़े पे चलाने के लिए सुई का नंबर बढ़ाना पड़ता है। नॉर्मली 16 नंबर की सुई लगती है, बट अगर कपड़े चलाना है तो फिर 18 नंबर की सुई लगानी पड़ती है। 18 नंबर की सुई लगा के जब कपड़े पे चलाया गया तो बकिया लगभग सही आ गई थी, बट कहीं कहीं पे वो लंबा टाका ले रही थी। इसको हम लोग अपनी भाषा में चौका लेना बोलते हैं, मतलब जैसे कि थोड़ी सिलाई सही आई और उसके बाद एक लंबा सा टाका आ गया, फिर थोड़ी सिलाई आई फिर लंबा सा टाका आ गया। मशीन में देखा गया तो जो चाबी होती है मशीन की वो काफ़ी लूज थी। फिर चाबी को चेंज किया गया। चाबी को चेंज करने के बाद में फिर सुई में हल्का सा लचपन होना चाहिए, मतलब सुई जब लगाई जाती है तो हल्की सी, मतलब जब उसको छू के आप थोड़ा सा दबा के देखोगे तो अंदर की तरफ थोड़ी दबनी चाहिए। अगर सुई दब रही है हल्की सी तो मान लीजिए कि आपकी परफेक्ट सिलाई आएगी, बट उसमें रॉड की प्रॉब्लम थी, इस वजह से सुई जो है ठीक से लच नहीं रही थी। फिर रॉड को देखा गया, जब रॉड ली गई सुई लगाई गई तब वो प्रॉब्लम उसकी दूर थी। वो प्रॉब्लम दूर करने के बाद सिलाई सही की गई, तब उसने प्रॉपर सिलाई आ गई। कस्टमर इतना खुश था कि बता नहीं सकते, वो बोला मैडम हम तो सोच रहे थे कि ये मशीन जो है हमारी सही से नहीं बन पाएगी, बट आपने बहुत अच्छा चैनल